नमस्कार। सोयाबीन वैरायटी की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे JS2172 की। हम जानेंगे इस वैरायटी का डाटा क्या कहता है, किसानों का फीडबैक क्या कहता है, और यदि आप लगाते हैं तो आपको किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। JS2172 JNKV जबलपुर की वैरायटी है। औसत उपज इसकी 21-22 क्विंटल मानी जाती है, लेकिन किसानों का फीडबैक है कि ये 25-30 क्विंटल तक भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है। हाइट इसकी 2 फीट के आसपास रहती है। अवधि इसकी 98 दिन औसत अवधि मानी गई है, लेकिन फार्मर फील्ड पे 100-105 दिन आराम से लेती है, तो आप 100-105 दिन इसके। दाना इसका मध्यम है, मोटा करता ही माने आप, और तेल की मात्रा भी अच्छी है। सफ़ेद फूल आते हैं, लगभग 1.5 महीने के आसपास फूल स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो कीड़े और बीमारियां हैं उनसे प्रतिरोधकता या मध्यम प्रतिरोधकता ज़्यादा तर से इसमें है। ये वैरायटी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यूपी का बुंदेलखंड रीजन और महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और विदर्भ रीजन के लिए अनुशंसित है। जहाँ तक फार्मर फीडबैक की बात है, तो इस वैरायटी के मैंने कोई बहुत नेगेटिव रिव्यू किसानों से नहीं सुने हैं, और मैंने भी इसको लगाया ठीक है, क्योंकि प्लांट की स्ट्रक्चर ठीक है, प्लांट की हाइट ठीक है, पौधा हेल्दी है और ठीक है। इवन डाटा तो ये भी कहता है कि इसमें जड़ों में गांठे ज़्यादा हैं। आप इस वैरायटी पे जा सकते हैं। यदि आपका जो फार्मिंग सिचुएशन है वो 100-105 दिन की वैरायटी को अलाउ करें, तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि हाइट ज़्यादा है, अवधि ज़्यादा है, प्लांट का बायोमास ज़्यादा है, तो आप 14 इंच से कम दूरी पे ना लगाएं। कोशिश करें आप 16 इंच या 18 इंच पे जाएं, 16 इंच पे चले जाएंगे तो भी ठीक है। और बीज दर बहुत ज़्यादा ना रखें, बीज किसी भरोसेमंद सोर्स से लें, उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जानते हैं या कोई ऑथेंटिक सोर्स हो वहीं से लें। बहुत ज़्यादा बीज में लूट मचाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक किसानों के पास है बीज तो आप किसान टू किसान ले सकते हैं, पर आपका सोर्स भरोसेमंद होना चाहिए। अपने आस पड़ोस में मिला तो कोशिश करें आप वहीं से ले लें। आपका भी कोई फीडबैक इस वैरायटी के बारे में है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार, जय हिंद।